तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि पता है, बहुत बहुत सारा डिले के बाद मैं एक एक वीडियो डाल रहा हूँ, पर क्या करें, हम भी एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लो। क्या करें, ज़िंदगी में बहुत सारे दुख दर्द आ चुके हैं, ज़िंदगी अभी थोड़ा झंड होने के कगार पर है, फिर भी क्या फ़ायदा, सबके ज़िंदगी झंड होती रहती है, सबका तो कटता ही है, हमारा भी। इंट्रो लगा भाई। तो ये सब बातों को छोड़ते हैं और आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। तो वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया होगा थंबनेल वगैरह देख के, पैच 3.2 का बैलेंस पैच आ चुका है। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। इन्होंने क्या है, एलिमेंटल रिफ्ट का जो है, इन्होंने थोड़ा सिस्टम चेंज किया है, टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं हमको अच्छा गेम देने के लिए, पर इंडिया में तो कभी आ ही नहीं रहा, चलो टेस्टिंग ही कर लो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं उन्होंने, ड्रैगन सोल का सिस्टम कुछ पॉइंट में कर दिया, जैसे कि जिस टीम को पहले 3 पॉइंट मिलेंगे उसको बफ मिलेगा। भाई सही है, हमको तो इतना कुछ पता नहीं, कैसा गेम खेलने के बाद पता चलेगा। ठीक है, आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बता दो। और इसमें जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्लेइंग ड्रैगन विल बी ग्रांट यू द पॉइंट्स टुवार्ड्स ड्रैगन सोल, और हर एक ड्रैगन का एक एक पॉइंट मिलेगा, और जो जो टीम ने 2 ड्रैगन ले लिए उसके बाद जो भी ड्रैगन बोल लेगा उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, ऐसा है इसका सिस्टम। और यहाँ पे वही है, और ऑल रैंडम ऑल रैपिड फायर जो AR ऑर्फ कुछ है, इसमें क्या होता है ना, एराम और ऑर्फ को मिला के इन्होंने एक मोड दिया, ये PC में बहुत अच्छा चलता था। इसमें क्या होगा ना, आप सबका माना बाना कूल डाउन कम हो जाएगा, पर चैम्पियन आप खुद सिलेक्ट नहीं कर सकता भाई, आपको तो ये खुद ही अपना देंगे चैम्पियन, वही से खेलना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद आ जाते हैं स्किन। हाँ, कोई भी पैच में स्किन ना हो तो कैसे चलेगा, इनका तो पैसा वसूल करने का हक है, गेम दिया है इन्होंने, पैसे लेंगे चूसेंगे हमको। ठीक है, तो स्किन्स वगैरह यहाँ पे दिया है, और स्किन्स रिलीज़ होगा 26 को। ठीक है, हम तो स्किन्स खरीदने वाले नहीं है, पर इंडियन जो भी है पैसे उड़ा रहे हैं, ठीक है भाई उड़ाओ, हमें क्या। ठीक है, उसके बाद एसेसरीज़ के ऊपर आ जाते हैं, एसेसरीज़ भी कुछ है पर पता नहीं हमको मिलेंगे या नहीं। और यहाँ पे क्या है, जॉइन द फ्लूट करके नॉक्सियस कुछ इवेंट है, पता नहीं क्या है, आने के बाद पता चलेगा। जॉइन द फ्लूट ऑफ नॉक्सस इवेंट बिगिंस ऑन 26 में, कुछ सस्ता वाला इवेंट दे होंगे। कॉस्मिक इवेंट पता नहीं, पैच 3.2 के पैच प्रीव्यू वीडियो में बोला था कि स्किन्स वगैरह फ्री में मिलेंगे, वह देखते हैं कैसे मिलेंगे। लक वगैरह तो हमारा इतना ज़्यादा भी ख़राब चल रहा है, फिर भी ये लकी का सिस्टम कुछ आ रहे हैं। फिर यहाँ पे चैंपियन चेंजेस पे आ जाते हैं, प्राइड 222 का पता नहीं कुछ भी हमको होने वाला, काट देना ये भाई। एलिस्टर का जो है यहाँ पे चैंपियन चेंजेस में क्या मिला, इसको शायद एक बफ मिला, एलिस्टर हैज़ बीन स्ट्रगलिंग इन द सपोर्ट रोल, यस, तो यहाँ पे इसको एक बफ मिला है। तो पैसिव में इसको थोड़ा हील्स वगैरह मिले हैं, और अलाई को हील करेगा, वो भी थोड़ा कूल डाउन रेड्यूस पर कंट्रोल, अच्छा ये भी थोड़ा बढ़ाया है, ठीक है, बहुत सही चीज़ किया है। और हेडबोट जो है, ये जो मार के एकदम से घुसंड मार के पेल देता है वो वाला है, उसको थोड़ा कूलडाउन कमाया है, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा घुसंड खाने को मिलेगा। और इसमें क्या है, सेकंड है, आ जाते हैं कमील के ऊपर। कमील हैज़ बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट प्रिविलेंट बैरन लेनर पिक्स, यस प्रो, नाइस। इसको नर्फ में क्या होगा, नर्फ ही क्या होगा, आई होप सो, इसको तो बफ देने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो प्रिसिशन प्रोटोकॉल करके है इसका जो हुक है शायद, आई डोंट नो, उसको थोड़ा नर्फ किया है, उसका मूवमेंट स्पीड भी थोड़ा कम किया है। और अल्टीमेट में क्या क्या इन्होंने नया चीज़ एक ऐड किया है, अगर आप अनटारगेटेबल हो जाते हो अल्टीमेट मारने के बाद, मतलब अनटारगेट मतलब जैसे कि आप अल्टीमेट मारते हो या फिर स्टैटिस यूज़ कर लो, तो आप अनटारगेटेबल हो गए, उस टाइम पे क्या होगा ना, आपका अल्टीमेट ख़त्म हो जाएगा सडनली, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो देखते हैं कैसे खेलते हैं बंदे। फिर उसके बाद आता है मेरा फेवरेट बंदा एको टाइम वाइंडर, ठीक है, तो इसका क्या है, इसको तो शायद एक बफ मिलना चाहिए, सिंस हिज रिलीज एको हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग एज वेल एज वीड लाइक, सो वी आर, अरे ट्रेन बंद करो यार, क्या करें भाई, ट्रेन कौए सारे चीज़ें हमको ही परेशान करने आते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम। तो यहाँ पे एको की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे एको का इसका जो है बेस हेल्थ है उसको बढ़ाया है, बेस आर्मर है उसको भी बढ़ाया है, बेस माना है इसको भी बढ़ाया है। और टाइम वाइंडर का जो है फर्स्ट एबिलिटी, इसमें क्या होगा ना, इसका डैमेज टू द मॉन्स्टर्स 130%, इस थोड़ा नया ऐड किया है, तो जंगल में ये थोड़ा
अच्छा से अभी कर पाएगा जंगल, थोड़ा तो पहले जंगल करने पे ही इसका आधा हेल्थ हो जाता था। ठीक है, सही है। और फेस डाइव में भी एपी रेशियो इसका 40% है। और पैरेलल कन्वर्जेंस, ये क्या है, सेकंड एबिलिटी है। तो सेकंड एबिलिटी का एक छोटा सा पैसिव होता है, जैसे कि अगर एनिमी लो है तो उसको थोड़ा डैमेज मिलेगा अगर वो इस सेकंड एबिलिटी के अंदर रहेगा, अगर वो लो है तो उसको थोड़ा डैमेज को थोड़ा बढ़ाया है, तो देखते हैं कैसा काम करता है। पर सही है, इसको अच्छा सा बफ मिला है, मैं तो खुश हूँ भाई, आप लोगों का पता नहीं। उसके बाद आ जाते हैं फियोरा, फियोरा पे आ जाते हैं। फियोरा सिंस आवर रिसेंट नर्फ टू द रेंज ऑफ लॉन्ग, इसका जो फर्स्ट एबिलिटी है उसको नर्फ किया था पिछले पैच में, तो याद होगा, तो इसको थोड़ा बफ ही मिला होगा शायद, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा लो पे चल रहा है। इसको बहुत ज़्यादा पिक करने का कोई, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, डायमंड लो तक तो मैं हूँ अभी, तो वहाँ पे नहीं देख रहा हूँ इतना ज़्यादा कोई खेल रहा है फियोरा। ठीक है, देखिए दिखा आपने यहाँ पे इसको बफ मिला है, बेस स्टार्ट में हेल्थ थोड़ा बढ़ाया है और फर्स्ट एबिलिटी का डैमेज थोड़ा बढ़ाया है, तो सही है, अभी शायद थोड़ा फियोरा देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं गार्गस, गार्गस का मैंने सुना था कुछ अल्टीमेट में कुछ उस चेंजेस किए हैं, तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या, इन्होंने अल्टीमेट का जो ट्रैवल स्पीड है उसको 6 फ्रेम से 8 फ्रेम कर दिया है। फ्रेम व्रेम का कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, देखते हैं इन गेम में जाके। मुझे लगता है अगर आप अल्टीमेट मारोगे तो थोड़ा दूर जाके गिरेगा या फिर थोड़ा स्पीड में जाके गिरेगा, पता नहीं ये कैसा है, देखते हैं। उसके बाद ग्रेव्स का आ जाता है। ग्रेव्स का क्या दिखे, क्या क्या है ना, एंड ऑफ द लाइन फर्स्ट एबिलिटी है इसका, डैमेज टू द मॉन्स्टर 150% से 120%। ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा ग्रेप्स पसंद नहीं है, पर नो हेट, ठीक है, अच्छा है। पता नहीं जंगल में इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे जंगलर आ गए हैं, अभी नया जंगलर इको भी आ चुका है, और आगे आने वाले पैच में नॉटेलस को भी जंगल में घुसाएंगे बंदे। ठीक है, इरेलिया का क्या क्या है, इन्होंने इरेलिया हैज़ बिन क्वाइटली ओवर परफॉर्मिंग इन द जंगल फॉर द, अरे भाई सारे लेन में ओवर परफॉर्मिंग कर रहे हैं जंगल में, क्या मिड लेन में तो घुसंड मार के सारा, इतना स्पीड हम तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। आयोनिया फीवर फर्स्ट एबिलिटी इसका, डैमेज टू द मॉन्स्टर, अच्छा ठीक है, जंगल के लिए ही सिर्फ नर्फ किया है, ठीक है, इसका कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब सारे बंदे तो मिड और बैरन लेन में लेके जाएंगे इसको और मारेंगे, जंगल में तो इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, देखना। ठीक है, नूनू विलम का क्या क्या है, इन्होंने फर्स्ट एबिलिटी कंज्यूम, उसका जो क्या है कूल डाउन को थोड़ा कम कर दिया है, चलो ठीक है, पता नहीं, ठीक है, पर ठीक है। ओलाफ का क्या क्या है, इन्होंने इन द हाई लेवल प्ले ओलाफ हैज़ बीन पावरफुल काउंटर पिक व्हेन फेसिंग टीम्स फुल ऑफ क्राउड कंट्रोल, ठीक है, इसको नर्फ किया होगा शायद, होप। डैमेज डैमेज को थोड़ा नर्फ किया है। अंडर अंडर टो ये जो एबिलिटी है, ये वाला कौन सा वाला एबिलिटी है, फर्स्ट एबिलिटी या फिर अल्टीमेट या फिर पता नहीं कौन सा वाला है। ठीक है, स्लो रेजिस्टेंस इसको भी थोड़ा बढ़ाया है या फिर नहीं, इसको भी थोड़ा कम कर दिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा नर्फ ही मान के चलेंगे, नर्फ ही है, मान के क्या चलना, ठीक है नर्फ ही है, ठीक है, चलो इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं गेम पे जाके ही पता चलेगा। उसके बाद आ जाते हैं रेनेक्टन के ऊपर। रेनेक्टन डैमेज हैज़ बिन फेलिंग ऑफ हार्डर या, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा बफ मिला है पक्का, डैमेज बफ मिला होगा। हाई रिजेनरेशन हेल्थ रिजेनरेशन, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं, हाई रिज फक वक बोला मैंने, ठीक है। डोमेन डोमेन इसका डोमिनोस इसका डोमिनोस पिज्ज़ा क्या बोल रहा हूँ मैं, डैमेज इसका जो है 40, 80, 120 पर सेकेंड। अल्टीमेट है क्या ये, पता नहीं, ये थोड़ा इसको डैमेज बफ मिला है और हेल्थ रिजेंशन बफ मिला है। उसके बाद नीचे मुझे दिख रहा है वेगर, इसका क्या है, वेगर हैज़ बिन स्ट्रगलिंग टू शो हिज ओपोनेंट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ पेन, और कितना दिखाएगा भाई, घुस के मार रहा है ये तो। अच्छा, इसका जो फर्स्ट एबिलिटी है उसका कूल डाउन थोड़ा हटाया है, और इवेंट होरिजन में क्या क्या है, क्राउड कंट्रोल ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाया है। ओ भाई चलो, वहाँ पे तो ओलाप का तो जो क्राउड कंट्रोल को काउंटर करता है उसको थोड़ा नर्फ किया था, नर्फ कर दिया, और यहाँ पे क्राउड कंट्रोल को ही बढ़ा रहे हैं बंदे, ठीक है, आगे जाके फिर से नर्फ करेंगे बंदे को। ठीक है, जिक्स जिक्स का बात आ जाते हैं। इसमें क्या है ना, एक्सप्लोजिव माइनफील्ड, तो ये जो बम गिराता है ना वो वाला, तो कूल डाउन इसका बढ़ाया है, और माइन का ड्यूरेशन जो बन माइन जो है जो लड्डू जैसे बिखर के पड़ते हैं ना वहाँ पे नीचे, वो वालों को थोड़ा ड्यूरेशन उसका कमाया कम कर दिया है। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, डैमेज वैमेज अगर थोड़ा कम करते तो ठीक था, पर ठीक है, कूल डाउन भी सही है। और यहाँ पे आ जाते हैं गेम प्ले चेंजेस, आइटम में क्या क्या है, फ्रोजन आर्ट का जो है इसका एबिलिटी है, इसको थोड़ा
बूस्ट दिया है और टोटल कॉस्ट को थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। और आइस ब्लेड गाउंट ब्लेड में क्या क्या है, माना था इसका 450, इसको हाफ करके उसको हेल्थ डाल दिया, ठीक है। माना का था 250 माना और हेल्थ भी हो गया। और यहाँ पे बोनस डैमेज था 100% अटैक डैमेज, उसका 100% के साथ एक बोनस आर्मर, 25% बोनस आर्मर दिया है, ठीक है, सही है। और इसका कॉस्ट बढ़ा दिया है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। रून चेंजेस में आ जाते हैं, इस पर आ जाते हैं वो की स्टोन कंकुर और ओ भाई इसको क्या किया है, कंकुर और फुल स्टैक होने पे उसका 10 और 7% का जो था मिली और रेंज्ड के लिए उसको हटा के 8% और 6% कर दिया। बहुत घटिया, मुझे कंकुरर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था सारे रून में से, ठीक है। दो नए रून आए हैं, उन लोगों को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए इसको नीचे डाल दिया, जैसे एवेंजर में होता ना, किसी एक बंदे को पहले होता था, अभी तो नहीं, किसी एक एवेंजर को पावरफुल दिखाने तो थॉर्स को पिटवा लो उससे, ठीक है, सही है। और इंस्पिरेशन रूनस में क्या था, निम्बल क्रॉक, ये वाला वो रून है ना जो एक स्पेल यूज़ करने के बाद अपना स्पीड बढ़ेगा, मूवमेंट स्पीड, ठीक है, सपोर्ट चैंपियंस के लिए अच्छा है, हमको कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा बिट्स क्या है, सिंगल और रिवर्स सैन, कुछ नहीं है, बस सैन को अपने जंगल कैटेगरी में डाल रहे हैं, बस यही था इस वीडियो में। और बस अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।